ना जाने आसपास है खुदा। इस सॉन्ग की एडिटिंग कवर होती है दो पैचेस के अंदर। स्टार्टिंग का जो परकशन वाला पैच है वो ये वाला है, और सेकंड पैच जिसमें केवल ड्रम कवर हुआ है, सेकंड मतलब परकशन के पार्ट के अलावा इसमें ओनली ड्रम है, तो ड्रम का पार्ट सीखेंगे इसके बाद में। पहले इसे सीख लेते हैं कैसे से प्ले करना है। इसका स्टार्टिंग बिल्कुल जो गिटार के पार्ट के बाद जो पार्ट आता है वो है ये, अगर स्लोली से समझे तो। वन टू थ्री, वन टू थ्री, वन टू थ्री, ओके ये प्ले होगा वैसे रेगुलर। वन टू थ्री, वन टू थ्री, वन, ओके। इसके बाद जो इसमें प्रकर्शन का पार्ट प्ले होता है वो है, कैसे प्ले करेंगे स्लोली, एक बार और, ठीक है। सो अगर इसे अकॉर्डिंग टू सॉन्ग देखे, सॉन्ग के फील के अकॉर्डिंग देखे, तो आप पहले सॉन्ग को सुनिएगा और सॉन्ग के साथ में प्ले कीजिएगा तो ये बहुत इजी आ जाएगा, ठीक है। मेरी किस्मत को बदल दे, रख हिम्मत संग चल दे, मेरे साथी तेरे कदमों के निशान। तू न जाने आस पास है खुदा, तू न जाने आस पास है खुदा। ओके, तो ये वो। इसके बाद जस्ट चेंज होता है ड्रम का पार्ट। ड्रम के पार्ट में क्या प्ले करना है देखिए, देखिए स्टार्टिंग में इसमें हमें यहाँ पे ये वाला हिट करना है, ठीक है, बूम करके फ्लोर टॉम और हाई हैट को मिक्स, ठीक है। उसके बाद सो बेसिकली बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही सिंपल सी इसकी प्लेइंग है। कंप्लीट पैटर्न यही प्ले होगा पूरे सॉन्ग में, कहीं कहीं रोलिंग का थोड़ा बहुत चेंज आएगा, वो आप सॉन्ग को सुन के ऑब्जर्व कर लेगा, या फिर मैं आपको एक रोलिंग बता दूंगा उसके ही बिहाफ पे आप सारे रोलिंग प्ले कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली मेन बटन ये है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, ओके। या इसका सेकंड वर्जन अगर आप यूज करना चाहते हो वैसे यूज कर सकते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, मतलब कि यहाँ पे हमने एक स्पेस और एक्स्ट्रा लिया है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, यहाँ पे एक दो यूज किए हैं, पहले तीन यूज कर रहे थे, ठीक है। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, दोनों से जो वर्जन आप चाहते यूज कर सकते हैं। और रोलिंग के लिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, लास्ट में आप फोर्थ काउंट पे ओपन भी कर सकते हैं, यार वन टू थ्री फोर फाइव एट काउंट पे, ठीक है। बाकी आप सॉन्ग को सुनिएगा एक बार जरूर ध्यान से, और रोलिंग आपको समझ में आ जाएगी। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको प्लेइंग समझ में आ चुकी होगी, और जल्दी से देख लेते हैं आप एडिटिंग। ये है सबसे पहला वाला पैच जिसमें हमने परकशन कवर किया है, ठीक है। तो इसके एडिटिंग देख लेते हैं। बेसिकली बस मैंने इन वाले पैड का यूज किया है, केवल फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और एट नंबर पैड का यूज किया है। बाकी अगर आप चाहें तो ये तीन वाले पैड भी बना सकते हैं, इनका वैसे कोई यूज है नहीं, ठीक है। बाकी आप चाहें तो बना सकते हैं। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले एफएक्स की बात करूँ तो एफएक्स है 29 नंबर रिबव, अंदर की
एडिटिंग बात करूँ एफएक्स की, तो रूम वन है टाइप में और प्रीडिलीवर 1.0 एमएस है, 64 इसका रिवर्ब टाइम है और एचएफ डैम जो है बाईपास है और जीरो रखा है लो और हाई दोनों गेन को, लेवल 127 किस किस पैड में कितना इफेक्ट डाले ये भी चेक कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है ठीक है। इसके बाद अगर बात करूँ पैड नंबर वन की, तो पैड नंबर वन पर रखा है ट्री चीम्स जो कि आपको 33 नंबर पर मिलेगा पीसी 2 के अंदर। इसके बाद इसका डायनेमिक और म्यूट ग्रुप ऑफ है, अंदर की एडिटिंग 400 है, ट्यूनिंग मफलिंग 0, सॉफ्ट अटैक 50, टाउन कलर 0, पिच स्वीप 0, वॉल्यूम 100, पैन सेंटर ठीक है। इसके बाद सेकंड पैड की अगर बात करूँ तो सेकंड पैड पर दो लेयर यूज की हुई है। अब देखिए सेकंड थर्ड और फिफ्थ तीनों लेयर में सेम, जो सेकंड बैंक है इनकी तीनों की सेम है, सेम इंस्ट्रूमेंट यूज किया है, सेम ट्यूनिंग के साथ, सेम एडिटिंग के साथ ठीक है। तो वो चीज मैं नहीं बताऊंगा बार बार, इसलिए आप एक बार देख लीजिए। अभी इसमें क्या है कि सेकंड पैड की एडिटिंग बता रहा हूं आपको ठीक है, ये काउंट आप यहां पर कर पा रहे हैं पैड। तो लेयर ए में रखा है मैंने डोरेटिक जो कि आपको मिलेगा पीसी 1 के अंदर 97 नंबर पे डोरेटिक, और पीसी 2 के अंदर आपको मिलेगा इंस्ट्रूमेंट सेम 81 नंबर पे पीसी 3 के अंदर, और म्यूट ग्रुप और डायनेमिक दोनों को ऑफ है। अंदर की एडिटिंग की बात करें तो 900 रखी है माइनस में ए बैंक की, 500 रखी है प्लस करके बी बैंक की, मफलिंग दोनों का 0 है, सॉफ्ट अटैक दोनों का 0 है, टॉन कलर L15 है ए में और बी का 0 है, पिच स्वीप दोनों का 0 है, 100 है ए बैंक का वॉल्यूम और बी बैंक का वॉल्यूम है 70, पैन दोनों का सेंटर रिवर्स ऑफ। बात करूं अगले पैड मतलब कि थर्ड पैड की, तो थर्ड पैड में मैंने बाया गेन रखा है जो कि आपको पीसी 1 के अंदर मिलेगा 75 नंबर पे, और बी के अंदर मैंने सेम इंस्ट्रूमेंट रखा है पीसी 3 के अंदर मिलेगा आपको 81 नंबर पे मर्कस, और इसका भी म्यूट ग्रुप और डायनेमिक दोनों का ऑफ है ठीक है। अंदर की रेटिंग की अगर बात करूं तो 700 रखी हुई है ए बैंक में, 500 रखी है वापस से उसी के सेम ट्यूनिंग है ठीक है, प्लस करके है और माइनस में है ए की। अगर मफलिंग की बात करूं तो 30 रखी है ए बैंक में, बी की 0 है, सॉफ्ट अटैक 0 है दोनों का, टॉन कलर L35 रखा है ए बैंक में, 0 है बी का, पिच स्वीप बी का 0 है, प्लस 100 है हमारा ए बैंक का, वॉल्यूम 85 है हमारे ए बैंक में, बी का है हमारा 70, पैन सेंटर और रिवर्स दोनों को ऑफ। अंदर के रेटिंग की बात करूं इसके बाद अगले पैड की, तो वो है हमारा पैड नंबर 162 नंबर पर मिलेगा आपको पीसी 1 के अंदर, ये हमारा फोर्थ नंबर पैड है ठीक है। तो लेयर एक है और लेयर बी में हमें जो रखा हुआ है वो है 81 नंबर पर मिलेगा पीसी 3 के अंदर, सेम इंस्ट्रूमेंट अगेन, डायनेमिक और म्यूट ग्रुप, डायनेमिक इसका ऑन है म्यूट ग्रुप इसका ऑफ है। और अंदर की रेटिंग की बात करूं तो 0 है ए बैंक की, प्लस 100 है बी बैंक, प्लस 500 है बी बैंक की, मफलिंग 10 है ए में और बी की 0 है, सॉफ्ट अटैक दोनों का 0, टाउन कलर दोनों का 0, पिच स्वाइप 0, वॉल्यूम 80 है ए बैंक में, 70 है बी बैंक में, सेंटर दोनों का पैन है। उसके बाद डायरेक्ट बात करते हैं अगले पैड मतलब कि 8 नंबर पैड की, जो जो हमने यूज किए हैं उनकी मैं एडिटिंग आपको बता रहा हूँ फिलहाल ठीक है। सो ये 8 नंबर पैड है, 8 नंबर पैड में मैंने सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट टाइप जो रखा है लेयर में वो रखा है फेड, और लेयर पॉइंट रखा है इसका 70 रखा है, टेम्बोरिन 2 रखा है पीसी 1 के अंदर आपको मिलेगा ये 119 नंबर पे टेम्बोरिन 2, और बी के अंदर मैंने सेम लेयर यूज की हुई है 81 नंबर पीसी 3 के अंदर, और म्यूट ग्रुप और डायनेमिक इसका डायनेमिक है ऑन म्यूट ग्रुप है ऑफ। अंदर की एडिटिंग की बात करूं दोनों की सेम है, ट्यूनिंग मफल ट्यूनिंग दोनों की सेम है ठीक है, 500 प्लस करके, मफलिंग है 50 ए बैंक में, बी की 0 है, टॉन कलर है 0 दोनों का, सॉफ्ट अटैक 10 है ए में और बी का 0 है, पिच स्वीप दोनों का 0, वॉल्यूम 895 और 100, पैन दोनों का सेंटर ठीक है। तो ये थे मेन इंस्ट्रूमेंट जो यूज है हमारे यूजेस। इसके बाद बात करते हैं अगले पैड की, अगले जो कि ड्रम का है उसकी। देखिए ये यहाँ पे मैंने इंडियन ड्रम स्टेज बना रखा है ड्रम, वैसे तो इसकी एडिटिंग मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ पर फिर मैं आपके लिए स्पेशली अगर दोबारा से बता देता हूँ। देखिए इसमें मैंने एफएक्स की अगर बात करूँ, इसमें भी सेम एफएक्स यूज किया हुआ है मैंने, रिवर्ब 29 नंबर से, और रिवर्ब की एडिटिंग की बिल्कुल मतलब सेम है ठीक है, एफएक्स एडिटिंग बिल्कुल सेम है, कोई चेंज नहीं है। रूम 1.0 एमएस ठीक है, डिले और 64 रखा है टाइमिंग, बाईपास रखा है डैम और 00 लो और हाई वेट दोनों है, और 127 इसका लेवल है। किस किस पैड में ये देख लीजिए एफएक्स डाला है कितना कितना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद अगर इंस्ट्रूमेंट की बात करूँ तो फर्स्ट पैड पे इंस्ट्रूमेंट हमारा टॉम 1, सेकंड पैड पे टॉम 2 ठीक है, टॉम 3 है फोर्थ पैड पे, सॉरी थर्ड पैड पे। तो 1, 2, 3 तीनों पैड पे हमारे वुड टॉम के नाम से इंस्ट्रूमेंट है ठीक है, वुड टॉम जो कि आपको टॉम्स के अंदर जाते ही मिलेंगे, पहला दूसरा और तीसरा ठीक है।
दोनों की एडिटिंग की बात करूँ, ट्यूनिंग की बात करूँ, तो मोस्टली यहाँ पे जो म्यूट ग्रुप है दोनों का ऑफ है, तीनों का, ठीक है, तीनों पैड का ऑफ है, डायनेमिक तीनों पैड का ऑन है, ठीक है। इसके बाद अंदर की एडिटिंग की अगर बात करूँ तो ट्यूनिंग -100 है तीनों पैड की, और सारी सेटिंग बिल्कुल सेम है, कुछ भी चेंज नहीं है। जो हमारा पैड वन है इसमें 100 वॉल्यूम है और पैन है L8। जो दूसरा पैड है उसमें है वॉल्यूम 100 है, पैन है L4R। और जो तीसरा पैड है उसमें है वॉल्यूम 100 और R8, ठीक है, ये हमारी पैनिंग है, ठीक है। इसके बाद अगला पैड यहाँ पे हमने क्रैश रखा है सिंपल फोर्थ नंबर पैड पे, तो फोर्थ नंबर पैड का क्रैश है जो मैंने यूज़ किया है वो 6 नंबर का है, सिंबल के अंदर आपको मिलेगा एज करके 18 डार्क एज और म्यूट ग्रुप ऑफ डायनेमिक ऑन। इसका भी ट्यूनिंग कुछ नहीं है, मफलिंग कुछ नहीं, सॉफ्ट अटैक कुछ नहीं, टाउन कलर कुछ नहीं, सब कुछ जीरो है, 85 वॉल्यूम रखा है बस। इसके बाद फिफ्थ नंबर पैड की अगर बात करूँ तो फिफ्थ नंबर पैड में मैंने रखा है 12 नंबर पे किक, सॉलिड किक है, और म्यूट ग्रुप डायनेमिक ऑफ दोनों का ट्यूनिंग -600 है, 15 मफलिंग है, सॉफ्ट अटैक जीरो है, टाउन कलर जीरो, पिच स्वीप जीरो, वॉल्यूम 85, पैन सेंटर और रिवर्स ऑफ। अंदर के रेटिंग की बात करूँ अगले पैड की, तो अगला पैड, सॉरी एक सेकेंड सॉरी फॉर दिस, अगला पैड जो है वो है हमारा, ये हमारा 6 नंबर पैड, और इसमें रखा है स्नेयर, डबल स्नेयर यूज की हुई है, टाइट स्नेयर है, पहले बैंक में 4 नंबर पे मिलेगी और बी बैंक के अंदर मिलेगी आपको 707 स्नेयर 42 नंबर पे, ठीक है। तो ये दो स्नेयर यूज की हुई है, लेयर टाइप मिक्स रखा है, 0.1 रखा है, म्यूट ग्रुप और डायनेमिक, डायनेमिक कौन किया है, म्यूट ग्रुप को ऑफ किया है, ट्यूनिंग दोनों की जीरो है, मफलिंग जीरो, सॉफ्ट अटैक जीरो, टोन कलर में L15 है, ए का बी का जीरो है, पिच स्वीप दोनों का जीरो, वॉल्यूम 100, ए बैंक का 75 है, बी बैंक का, सेंटर दोनों का पैन है, ऑफ है, रिवर्स। अगले पैड की अगर बात करूँ तो हाई हैट यूज किया है सिंपली मैंने, और इसके बाद इसकी ट्यूनिंग और मफलिंग जो है वो है ऐसे, डार्क हाई हैट है ये, ठीक है, डार्क हाई हैट एज मिलेगा आपको 4 नंबर पे हाई हैट के अंदर, म्यूट ग्रुप इसका 6 रखा है, डायनेमिक इसका ऑन है, ट्यूनिंग दोनों की सेम है, 7th और 8th पैड दोनों सेम है, ट्यूनिंग और मफलिंग के मामले में सारी एडिटिंग सेम है, ठीक है। बस यहां से मैंने देखिए 85 वॉल्यूम रखा दोनों पैड का, ठीक है, ये 7th है, ये 8th नंबर पैड है, और अंदर से इसको ऑन किया है, इसका ऑन किया है, ठीक है, वाला मतलब यहां पे मैंने पैडल किया हुआ है, मतलब इसे ऑन कर रखा है, इसके हाई हैट को ओपन कर रखा है, ठीक है। तो बस ये एडिटिंग है सिंपली, आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, कैसा लगा है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है।